हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। इस वीडियोस में मैं अपने व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। तो देखिए, ये मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जिसमें जाकर के आप लोग नेटवर्किंग के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वीडियो के थ्रू आप लोग उन चीज़ों को पढ़ सकते हो, जिसमें आपको एक सब्सक्राइब करके एक बटन दिया गया है जिसको क्लिक करके आप लोग मेरे द्वारा की गई अपलोड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सारी अपने अकाउंट में, अपने ईमेल अकाउंट में भी ले सकते हो। इसके अलावा मैंने एक ब्लॉग बनाया है, ब्लॉग के ऊपर मैंने वो सारी वीडियोज़ अपलोड करी हैं जिनमें से आप जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इनमें आप जो भी वीडियो को देखना चाहते हो उसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वो वीडियो आपके सामने प्ले होगी। जो भी चीज़ रीड करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, देन थैंक यू। क्लास नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका ट्रंक पोर्ट। तो पिछले प्रैक्टिकल में हमने जाना कि एक स्विच की वीलेंस को दूसरी स्विच की वीलेन सेम वीलेन नंबर के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। बट उसमें जो एक प्रोसेस हमने यूज किया उसमें हमने मल्टीपल केबल्स के थ्रू, यानी कि अगर आप वीलेन 10 को जोड़ना चाहते हो तो उसके लिए केबल लगाओगे, वीलेन 20 को जोड़ना चाहते हो उसके लिए एक वीलेन बनाओगे, यानी कि जितनी वीलेन को आप जोड़ना चाहते हो आपस में उतनी ही केबल आपको फर्स्ट स्विच टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, यानी जितनी स्विचेस है उतनी केबल लगेंगे आपकी, जितनी वीलेन है उतनी ज्यादा केबल्स आपकी लग जाएंगी। तो वो काफी जो एक कंजस्टेड सा नेटवर्क बन जाएगा जिसमें कई सारी केबल्स यूज हो रही है। बट अब हम लोग ऐसा नेटवर्क नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि मेरे नेटवर्क में एक ही केबल के थ्रू मल्टीपल वीलेंस का डाटा कैरी हो, तो उसके लिए यूज होता है ट्रंक बोर्ड। बेसिकली ट्रंक बोर्ड नोट कर सकते हैं आप लोग डेफिनेशन में, विद द हेल्प ऑफ ट्रंक बोर्ड वी कैन कैरी द मल्टीपल वीलेंस डाटा फ्रॉम वन स्विच टू अनदर स्विच। एक स्विच से दूसरी स्विच तक आप लोग मल्टीपल वीलेंस का डाटा विद द हेल्प ऑफ ट्रंक बोर्ड we can carry multiple valence data, we can carry the multiple valence data from one switch to another switch। एक स्विच से दूसरी स्विच तक आप लोग मल्टीपल वीलेंस का डाटा को, यानी कि एक से ज्यादा वीलेंस के डाटा को ट्रांसफर करा सकते हो थ्रू ट्रंक पोर्ट, एक सिंगल केबल के थ्रू। एक ही केबल के थ्रू आपको ट्रंक पोर्ट जो है वो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है कि आपकी वीलेंस। तो क्लास इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए आपको दो या तीन या पांच केबल लगाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी केबल को किसी एक वीलेन में डालने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, नॉर्मली आप लोग यहां पे एक केबल लगा दो, यहां पे नॉर्मल एक आप लोग केबल प्लग कर दो और उसको बना दो आप लोग ट्रंक पोर्ट, और ये जो आपका नेटवर्क इसको बना दो सिर्फ ट्रंक पोर्ट। तो ट्रंक पोर्ट बेसिकली क्या काम करेगा, आपकी एक स्विच से दूसरी स्विच तक मल्टीपल वीलेंस के डाटा को ट्रांसफर कर पाएगा, यानी कि एक स्विच है दूसरी स्विच है, चाहे 10 वीलेन है चाहे 50 वीलेन है, आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग ट्रंक पोर्ट बनाओ। बट इतना याद रखिएगा वो ट्रंक पोर्ट जो इंटरफेस है वो किसी भी वीलेन में नहीं होगा, वो सभी वीलेन से बाहर है, वो किसी वीलेन का पार्ट नहीं है और ना ही उसको आप किसी वीलेन में डालोगे। आप जब कमांड भी लगाओगे ना वीलेन में शो भी नहीं करेगा, आप चेक कर लेना, जब आप लोग कमांड लगाओगे डू शो वीलेन तो वहां पे वो वीलेन में आपको इंटरफेस ही नहीं शो होगा जो भी ट्रंक पोर्ट होगा। और एक चीज और याद रखने वाली है इस तरह के नेटवर्क में, अगर आपने, आपको दोनों तरफ ट्रंक पोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इस तरफ ट्रंक पोर्ट लगा दिया, लाइक मैंने स्विच के और इस पोर्ट को ट्रंक बना दिया, तो बाय डिफॉल्ट ही दूसरी तरफ जो इंटरफेस है वो अपने आप ही ट्रंक बन जाएगा, आपको उसको ट्रंक बनाने की जरूरत नहीं है। बट वो वीलेन वन में होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए। एक तरफ ट्रंक बनाओ दूसरी तरफ अपने आप बन जाएगा। चलिए प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं हमारी टॉपोलॉजी में। ये पिछले प्रैक्टिकल पे ही मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है तो ये केबल्स हम लोग हटा देते हैं। क्लास अभी हमें क्या करना है, जस्ट इनके अंदर एक केबल लगानी है, वो केबल जो होगी आपकी जैसे इस पे आप देख सकते हो किसी वीलेन में ना हो, बस इतना याद रखना है वो इंटरफेस जिस पे आप ये ट्रंक वाली केबल लगाओगे वो किसी वीलेन में ना हो। जैसे कि आप चेक कर सकते हो 7 नंबर पोर्ट है किसी वीलेन में नहीं है, FA0/7 किसी वीलेन में नहीं है। तो जब आप लोग क्लिक करते हो FA0/7 पे लगा दीजिए, और दूसरी तरफ अगर हम लोग चेक करना चाहें तो 7 ही वीलेन में से बाहर है, वो वीलेन 1 में है। माउस को ऊपर करोगे आपको पूरी डिटेल शो कर देगा। तो अब आपको क्या करना है, इससे इंटरफेस को बनाना है ट्रंक। तो अभी ये FA0/7 वीलेन 1 में है और आप लोग यहां पे कमांड लगाओगे, कमांड नोट कर सकते हो आप लोग, इंटरफेस कौन सा, फास्ट इथरनेट 0/7 जो भी इंटरफेस नंबर है, और कमांड लगाओगे आप लोग स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और ये सिर्फ ये कमांड है स्विच पोर्ट
मोड़ ट्रंक और आपका ये FA07 जो है वो ट्रंक पोर्ट बन जाएगा, जो कि एक स्विच से दूसरी स्विच तक मल्टीपल वीलेंस के डाटा को कैरी कर सकता है। तो ये एक प्रैक्टिकल था आपका वीलेंस को ट्रांसफर करने का। दूसरा भी है जो कि आपके इस स्विच में पॉसिबल है, लेयर टू स्विच सिस्को में। तो ये एक कमांड थी आपकी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, जिससे ये ट्रंक बन जाएगा पोर्ट और मल्टीपल वीलेंस डाटा जो है वो ट्रांसफर हो पाएगा। चलिए इसका रिजल्ट चेक करते हैं। अब जरा इससे पिंग करने की कोशिश करते हैं, सक्सेसफुली पिंग हो रही है, और दूसरी तरफ इससे पिंग करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे भी ये पिंग चल रही है। अब सिमिलर वीलेंस आपस में कनेक्ट हो पाएंगी थ्रू दिस ट्रंक पोर्ट। अगर आप लोग कमांड लगा करके चेक करना चाहो, चेक भी कर सकते हो इसका, इसको डू शो वीलेन की कमांड लगाओगे, यहाँ पे आप फाइंड कर लीजिए, आपको 0/7 यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 नीचे है 4, 5, 6 और 8, 7 पोर्ट ही नहीं है किसी वीलेन में, अपने आप ही वो वीलेन से निकल चुका है। तो अगर आप लोग चेक करना चाहो, माउस को ऊपर करोगे तो यहाँ पे भी आपको देखिए वहां पे हाइफन था शो कर रहा है, FA07 के आगे अपन पोर्ट अप ही है, पोर्ट कनेक्टेड है बट वो किसी वीलेन का पार्ट नहीं है, आप चेक कर सकते हो। तो ये चीज है। और दूसरी तरफ आप माउस को करोगे तो इस तरफ तो आपने कोई कमांड भी अप्लाई नहीं की थी तो, बट फिर भी वो किसी ना किसी एक वीलेन से बाहर निकल के ट्रंक बोर्ड बन चुका है, अपने आप ही वो ट्रंक बन जाएगा और आप मल्टीपल वीलेंस का डाटा को कैरी कर पाओगे एक स्विच से दूसरी स्विच तक। सो ये थी आपकी इंटर नेटवर्क सॉरी दो स्विचेस में वीलेंस के डाटा को कैरी करने का प्रोसेस। तो इसमें कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। एनी डाउट? ओके।